प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आप किसी भी प्रकार से समस्याओं में, बीमारियों में, परेशानियों में हैं, तो आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 37 और उसके 4 और 5 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो खुश रहना चाहते हैं, आशीषित रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय जीवन हो, परंतु लोग अपने आप से कोशिश करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए या अपने अपने परिवार को खुश रखने के लिए, और वो असफल हो जाते हैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए या फिर अपने आप को खुश रखने के लिए। परंतु आज मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं या फिर अपने जीवन को आप खुशी से बिताना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानें। आपको इस बात को जानना जरूरी है कि सुख को हम अपने आप से नहीं कमा सकते, अपने आप से नहीं खरीद सकते, बल्कि उसका जो मूल है वो परमेश्वर है। हमें यह जानना है कि उसका मूल परमेश्वर है, और यदि हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो वो सुख हमें प्राप्त होता रहेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप चाहते हैं अपने परिवार को खुश देखना, अपने जीवन में खुशी चाहना, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि सुख का मूल परमेश्वर है, इसलिए वो उस सुख को आपके जीवन में देता रहेगा, आपके परिवार में देता रहेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख। दोस्तों, हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा उनके भविष्य में, वो क्या करेंगे, कैसा उनका भविष्य होगा। इस बात को सोच सोच कर वो चिंतित और परेशान होते रहते हैं, तनाव में चले जाते हैं। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता, दूसरे शब्दों में अपने भविष्य की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा, वही सब कुछ पूरा करेगा, वही सही मार्ग निकालेगा, वही आपके भविष्य को आशीषित करेगा। दोस्तों, आपको जरूरत है तो आप परमेश्वर पर निर्भर होने की, जरूरत है तो परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानने की, जरूरत है तो अपनी चिंता, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के ऊपर डालने की, जरूरत है तो अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में देने की। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्गों को बनाते हैं, आपके जीवन को आशीषित करते हैं, आपके जीवन को खुशी, शांति, प्रेम, आनंद से भर देते हैं, आपके जीवन को सुखमय कर देते हैं। हम याबेज के जीवन में देखते हैं, याबेज अपने जीवन में खुशी को देखना चाहता था, सुख को देखना चाहता था, आशीषों को देखना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, अपने भविष्य की चिंता को, अपने भविष्य की बातों को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। उसने इन सब बातों के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल कहती है कि उसने जो भी प्रार्थना परमेश्वर से की, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, उसके जीवन को सुखमय कर दिया, उसके जीवन को आशीषित कर दिया, उसके भविष्य को सिक्योर कर दिया। दोस्तों, क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा, क्योंकि अपने सुख के मूल को उसने परमेश्वर को जाना। उसे पता था कि मैं अपने आप से ये सब बातों को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु यदि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, यदि मैं उसके पीछे चलूंगा, क्योंकि सुख का मूल तो परमेश्वर है, तो वो मुझे आशीषित करेगा, वो मेरे जीवन को सुखमय बनाएगा, वो मेरे जीवन को, वे मेरे भविष्य को सिक्योर करेगा। और ऐसा ही हुआ। दोस्तों, इसीलिए आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी याबेज की तरह परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने सुख का मूल परमेश्वर को जानें, अपने भविष्य को आशीषित करने के लिए परमेश्वर पर आप निर्भर हो जाएं। हालेलुया।
आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में सिक्योर है, वो आपको आशीषित करेंगे, वो आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की चिंताओं को दूर कर रहा है, उन्हें सुख से भर रहा है, उनके भविष्य को सिक्योर कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की सिस्टर, मेरा नाम किरण है, मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा था तो मैंने रिक्वेस्ट की आपसे, पीके ब्लदर और अमृता सिस्टर से, कि मेरे भाई का रिश्ता हो जाना चाहिए और 2-3 हफ्तों में ही बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उसे ब्लेस किया है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का और पूरी क्लेसिया का भी। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया, ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी महिमा बड़ाई और सम्मान करते हैं। yes. परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु आपने ये सुंदर दिन प्रभु, ये भोर का प्रकाश प्रभु हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। रात भर के विश्राम के लिए प्रभु हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। yes. और इस नए सवेरे के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं और प्रभु अपनी सांसों को ले रहे हैं, अपनी आंखों से हमने इस चमकती हुई सुबह को देखा है। ये सिर्फ तेरी दया का फल है प्रभु। yes. तेरा प्रेम है जो तूने हम पर प्रकट किया है परमेश्वर। yes. और प्रभु हम इस नए दिन को देख पाए हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। Amen, Amen, इस Amen. पूरे दिन को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। yes. प्रभु तेरे बेटे बेटियों को जो आज के इस भोर के प्रकाश में, आज इस सुंदर सुबह में तेरे सम्मुख उपस्थित है प्रभु पिता, आप उन्हें अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आप उन्हें अपनी पाक रूह से भर दीजिए और आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप उनकी सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। yes. अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे, अपने आनंद से, अपनी खुशियों से और प्रभु विशेषकर अच्छा स्वास्थ्य देकर प्रभु आज के दिन में प्रभु आपकी महिमा को वो करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें उत्साहित किया है प्रभु। और पिता परमेश्वर सच में आपका वचन प्रभु हमारे हृदय तक पहुंचकर प्रभु हमें दृढ़ करता है प्रभु तेरी बातों पर परमेश्वर प्रभु। और धन्यवाद करते जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दे, वही सब कुछ पूरा करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और तू मनोरथों को भी पूरा करता है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपके लोग आशीष पाए मेरे प्रभु, और दुआ है कि ये वचन उनके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे प्रभु। आप अपने बेटे बेटियों के मनोरथों को पूरा करे आज के दिन में, जो उनके मनोरथ हैं प्रभु आप उसे पूरा करे पिता परमेश्वर। और विशेष का प्रभु यीशु मसीह आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो भाई बहन चिंतित हैं अपने कुछ कामों को लेकर, अपने कुछ प्लान्स को लेकर परमेश्वर, आपने कहा अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु आपका वचन प्रभु आपके बेटे बेटियों को, हम सबको उत्साहित करता है कि हम अपने मार्ग की चिंता तुझ पर डाल दें और तुझ पर भरोसा रखें, ताकि उन बातों को तू हमारे जीवन में पूरा कर सके। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु, आज प्रभु आपके बेटे बेटियों की हर एक चिंता को आपके ऊपर डालते हैं और प्रभु अपना भरोसा उस विषय के लिए आप पर बनाए हैं। प्रभु आप ही उन बातों को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, यदि अपने भविष्य के लिए प्रभु आपके बेटे बेटियां परेशान है प्रभु, तो उनके भविष्य को हम आपके हाथों में सौंपते, क्योंकि आपके हाथों में उनका भविष्य सिक्योर है परमेश्वर पिता। प्रभु जी यदि कोई अपनी सक्सेस के लिए परेशान है प्रभु कि उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही, प्रभु आप उन्हें सफल करें परमेश्वर। यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम उन्होंने दिया है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया और वो कंफ्यूज है कि क्या उसमें होगा, प्रभु आप उनके मनोरथ को पूरा करें कि वो उसमें सेलेक्ट होकर तेरी महिमा को करने पाए। जितने बच्चे प्रभु आने वाले समय में फाइनल एग्जाम दे रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान कर, हर एक बीमारी से बचा प्रभु, और उन्हें पिता अच्छे से अपने एग्जाम देने में सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता। हम उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते जो अपने बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे परमेश्वर पिता, प्रभु आप उन्हें भी सामर्थ्य प्रदान करें परमेश्वर प्रभु, कि वो अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में पाले और हर बात के लिए प्रभु आप पर भरोसा रखें, क्योंकि आप ही सब कुछ पूरा करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर प्रकार की चिंता अपने मैरिज के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, जो इनका
प्रभु चिंता है परमेश्वर वो आपके ऊपर हम सौंपते हैं, आप ही सब कुछ सही समय पर पूरा करें मेरे प्रभु, और इनकी हार्ट डिजायर्स को आप पूरा करें। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह में जितने भाई बहनों ने प्रभु अपने प्रार्थना निवेदनों को यूट्यूब कमेंट बॉक्स में प्रभु जी और प्रभु यीशु मसीह फेसबुक में इंस्टा में व्हाट्सएप में डाला है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उनके प्रार्थना का आप उत्तर दीजिए, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप उनके पर्सनल लाइफ में कार्य कीजिए परमेश्वर, आप उनके परिवार में कार्य कीजिए, आप उनके बच्चों के जीवन में कार्य कीजिए, आप उनके प्रभु शरीर से रिलेटेड उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, नाना प्रकार के रोग में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, परिवार का कोई भी सदस्य इस समय सीरियस बीमार है प्रभु, तो आज हम उनके लिए दुआ करते हैं, आज हम मांगते हैं प्रभु कि यीशु के पवित्र नाम से मेरे खुदावन तूने वचन में कहा है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और तुम्हारी बीमारियों को उठा लिया है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमेश्वर आप इनकी सारी दुर्बलता को दूर करें, हर एक बीमारी को दूर करें और इन्हें छू लें और चंगा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे खुदावन और विनती करती हूँ परमेश्वर पिता कि अपने लोगों को आप स्वस्थ रखें प्रभु जी, सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक बीमारी को नष्ट करें, इन्हें स्वस्थ करें ताकि स्वस्थ रहकर ये तेरी महिमा को करने पाए। प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में अपने बीज को बोया है प्रभु उन्हें आप 100 गुना फलवंत करें, जो भी उन्होंने अपनी घटी कमी में से खुशी और आनंद के साथ में दिया है प्रभु उसमें बरकत हो, आशीष हो और बहुतायत से परमेश्वर वो अपने जीवन में कटनी को काटें प्रभु, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें, स्वर्ग के झरोखे आप उनके लिए खोलें और जो वो कमाए उस पर बरकत हो, उसका सुख, उनका परिवार, उनकी सारी नीड्स को वो पूरा कर सके पिता। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में परमेश्वर अपने लोगों की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जरूरत पूरा करें, उन्हें भला चंगा रखें, उनके कामों को सफल करें, जहां कहीं भी जाएं उन्हें सुरक्षा प्रदान करें, आपके लहू के बाड़े में रखते परमेश्वर, दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से, विशेषकर दुष्ट की बुरी योजनाओं से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, हर एक जन को आपके लहू में ढांपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगते सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 आमीन।